संभलिए, कोई बहाना नहीं, अब हजारों में चालान कट रहा है। अरे मैं तो घर से दुकान के लिए निकला था, मैं तो अभी दूध का पैकेट लेने आया था, मैं तो बच्ची को स्कूल छोड़ने आया था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बहाना बना रहे हैं आजकल प्रयागराज के लोग। 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद ट्रैफिक जुर्माना काफी बढ़ गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और रिश्वत देने या लेने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे में अब तो गनीमत इसी में है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। आपको बता दें कि शहर के कुछ लोग अक्सर बिना हेलमेट के बाइक लेकर सड़क पर निकल जाते हैं, पुलिस मिलती है तो बहाने पर बहाना, नया नया बहाना। देखिए शनिवार को जब ट्रैफिक पुलिस सड़क पर चालान काट रही थी तो कैसा नजारा था। दरअसल सरकार की मंशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान देख लोग नियमों का पालन करें। शनिवार को युवाओं से लेकर नौकरी पेशा बाइक सवारों के भी चालान काटे गए। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सूबे की पुलिस बेलगाम है पूरी तरह से। एक कागज़ के आधार पर चार कागज़ों का चालान कर दे रही है। एक चार कागज़ होते हुए भी अगर व्यक्ति थोड़ा सा देर कर दिया, सर मैं निकाल रहा हूँ, उतने में साढ़े चार चार पाँच पाँच चालान हो जा रहे हैं, एक जबकि एक ही कागज़ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सारी नियमों का हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम जनता हैं, आपको हम चुन करके भेजे हैं, आपने हमारे लिए नियम बनाया है तो हम उसका सम्मान करते हैं, हृदय से स्वागत है। लेकिन क्या हम आपसे इसकी भी आशा करते हैं कि आप भविष्य में ऐसा भी नियम लाएंगे कि जो पुलिस वाले आपके यहाँ पैसा लेते पकड़े जा रहे हैं, यातायात पुलिस या फिर जो भी पुलिस है उनका वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो आ रही है, क्या उन पुलिस वालों के लिए आप उनको तुरंत पकड़ करके जेल भेज करके उनकी संपत्ति कुर्क करके क्या आप नज़ीर पेश करेंगे, क्या कोई ऐसा भी नियम लाएंगे। हम जनता हैं, हम आपसे अपेक्षा करते हैं और हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप हमारे भी हितों को समझें और कुछ ऐसी नज़ीर पेश करें कि ये जो बेलगाम आपका प्रशासन है, चाणक्य जी ने कहा है कि जब भी कोई भी राजा प्रधानमंत्री और सैनिकों के माध्यम से राज्य करता है तो उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है, और आज इसी दिशा पे आप कार्य कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको भगवान सद्बुद्धि दे और इन लोगों के हम लोगों के हित में भी कोई ऐसा नियम लाएँ, इन लोगों की संपत्ति कुर्क करवाएँ जो भ्रष्टाचारी हैं, और इनको भी जेल भेजें। मेरा ये मानना है कि जो चेकिंग चला रहे हैं ये बहुत सही है चला रहे हैं, हम ये नहीं कहते हम इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ मायनों में बहुत ज़्यादा कुछ गलत भी हो रहा है। प्रशासन अपने आप को लेकर अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसका दुरुपयोग कर रही है, और जो चालान की जो नियमता जो इन्होंने जो धनराशि रखी हुई है उस पर अगर कुछ संशोधन कर दें तो जो गरीब चालक हैं जिनके पास वाहन बहुत छोटे वाहन हैं और उनकी उस हिसाब से उस वाहन की वैल्यूएशन भी नहीं है, और वैल्यूएशन ना होने पर भी चालान उससे भी कहीं ज़्यादा है, और इस पर बस इतना ही हमें कहना है कि उस पर अगर कुछ संशोधन कर दें तो गरीब चालकों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यातायात पुलिस हर चौराहे पर खड़ी है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ और आप आगे बढ़े तो पकड़े जाएंगे और जुर्माना 100 या 200 रुपये नहीं बल्कि हजारों में होगा। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि अगर लोग नियमों का पालन करें तो जुर्माने की नौबत ही नहीं आएगी।